हे गाइस, वेलकम टू आकी व्लॉग्स। आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है और इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे मुझे अबाउट जॉब सिनेरियोस फॉर आर्किटेक्ट्स इन कनाडा। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स जो इंडिया में हैं आज के टाइम पे, वो मूव होना चाहते हैं टू कनाडा बिकॉज ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड पे स्केल और बहुत सारी चीज़ें हैं आउट देयर विच पीपल आर सेइंग अबाउट एंड टॉकिंग अबाउट कनाडा। बट मैं आज आपको एक रियलिटी बताने जा रहा हूँ जो कि कनाडा की है। और मैं गाइस आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी डीमोटिवेटिंग वीडियो नहीं है। ये वीडियो है प्योर इन्फॉर्मेशन, प्योर एक्सपीरियंस, जो आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। एंड गाइस, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मेरा नाम है सारांश सिंह एंड मैं आर्किटेक्ट हूँ इन इंडिया, नॉट हियर। बट मैंने यहाँ पे दो कोर्सेज भी कंप्लीट किए हैं। वन इज़ बिम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और दूसरा है ग्रीन आर्किटेक्चर का, जो कि अप्रैल में ख़त्म हुआ है। एंड फ्रॉम पास्ट टू मंथ्स आई एम इन टू दिस जॉब सर्च हसल सिनेरियो एंड बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे इस पर्टिकुलर टू मंथ्स में। सो मैं बस एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सो ट्राई वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। एंड विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो पॉइंट नंबर वन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आर्किटेक्चर फील्ड में जॉब मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। आप अगर सोचोगे कि आपको एज अ जूनियर आर्किटेक्ट या फिर कोई आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजिस्ट के दौर पे हायर कर लेगा, तो वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। बिकॉज़ यहाँ पे एक जूनियर आर्किटेक्ट होने के लिए भी यू नीड टू बी अ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट। सो वो सिनेरियो थोड़ा सा आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। सो यहाँ पर आने के बाद आपको, जब आपने अपना कोर्सेज कंप्लीट कर लिया है या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आपको पहली जॉब जो मिलेगी वो प्रॉबली एज अ कैड टेक्नीशियन की मिलेगी या फिर रेविट टेक्नीशियन की मिलेगी या फिर एज अ ड्राफ्ट्समैन या फिर एज अ डिज़ाइनर इन एन इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म और एन आर्किटेक्चर फर्म। बट आपको जो टाइटल है जूनियर आर्किटेक्ट या फिर आर्किटेक्ट, उस टाइटल वाली कोई जॉब नहीं मिलने वाली। आपको अपने फील्ड में रिलेटेड जॉब मिलेगी, Not exactly what you do. So आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। प्लस कि आपको थोड़े टाइम में ही जॉब मिल जाएगी, कोर्स ख़त्म किया और जॉब मिल गई, तो वो सिनेरियो हो सकता है पर बहुत ही रेयर है। मेरे साथ तो नहीं हुआ है, और मेरे साथ एक्चुअली कोई भी चीज़ें बहुत ईजिली नहीं होती है, काफ़ी मेहनत करने के बाद ही मिलती है। सो आई हैव स्टॉप्ड होपिंग कि बहुत ईजिली कुछ भी हो जाएगा। मुझे हर चीज़ को एक्सपीरियंस करवाती है लाइफ पहले, एंड देन आई गेट इट। सो मोस्टली आप सब के साथ भी ऐसा होता होगा। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जॉब आसानी से नहीं मिलेगी। आज ऑलमोस्ट 2 months एंड 1 week हो गए, आई हैव बिन अप्लाइंग एवरी डे। हर रोज़ मैं कम से कम 10 फर्म या फिर 4-5 फर्म तो अप्लाई करता ही करता हूँ फॉर जॉब एप्लीकेशंस। और आज आप अगर मेरा लिंक्डइन देखेंगे या फिर मेरा जीमेल देखेंगे, तो इधर इट्स लाइक एप्लीकेशन सबमिटेड वाले जो मेल्स आते हैं वो, या फिर एप्लीकेशन रिजेक्टेड वाले जो मेल होते हैं वो पूरे भरे पड़े हैं मेरे पूरे जीमेल में। सो आप समझ सकते हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी कि यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर मैंने जितने भी लोग हैं उन सबसे बात की है, and everyone has told me this particular thing, be patient and at least it will take you 1, 2, or 3 months to find a job. And probably, and this is not even the case in Canada also, this is the case in USA also. And aap logon ne agar mera Vidit ke sath video nahi dekha hai for an interview in US, he is working right now in US. सो वो वीडियो भी जाके देखो, मैं लिंक टैग कर दूंगा यहाँ पे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो भी। बट जो जॉब सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे लोग इजीली हायर नहीं करते, स्पेशली फॉर दी आर्किटेक्ट्स हु आर ट्रेंड इन इंडिया, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट है, डिटेलिंग्स डिफरेंट है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता था आज के वीडियो में। और रिगार्डिंग माय जॉब सिनेरियो अभी क्या है, मैंने एक्चुअली 2 interviews अभी लाइंड अप है। सो आई एम होपिंग कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो, और 1-2 interviews पहले भी हुए थे। सो वो एक्चुअली फॉर्म्स बहुत वियर्ड थे, तो
मुझे मन नहीं किया टू ज्वाइन देम, बट यस थिंग्स आर मूविंग स्लोली. और मैं अभी के लिए फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को बताता हूँ. आई एम वर्किंग इन अ होटल एज अ रिसेप्शनिस्ट. सो मैं अभी ये काम कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. आई एम गेटिंग टू लर्न अ लॉट. यहाँ पे आने के बाद आपको ये भी सोचना है कि आपको थोड़ा अपना माइंड ना ओपन रखना है टूवर्ड्स थिंग्स, अपना पर्सपेक्टिव ना थोड़ा सा वाइडन अप करना है. कि यहाँ पे आने के बाद लोग एक ही जॉब में और एक ही जगहों पे बोलते हैं ना फिक्स हो जाते हैं. जैसे कि अभी जो पार्ट टाइम कर रहे थे वॉलमार्ट में, आज वो फुल टाइम कर रहे हैं वॉलमार्ट में ही. वो नहीं करना है आपको. कंफर्टेबल मत हो, एक्सप्लोर करो, ट्राई डूइंग न्यू थिंग्स, ट्राई स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप अपना देश छोड़ के आए हो यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपका जो कंफर्ट जोन हर जगह पे बना लेते हैं हम लोग, वो चीज़ें भी हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा एंड ट्राई करना चाहिए कि और एक्सप्लोर करें और चीज़ें सीखें. आज मैं होटल इंडस्ट्री के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानने लगा हूँ धीरे धीरे कि आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस थिंग. सो ये सारी चीज़ें काफ़ी ओपन अप करती है तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हें एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प करती है. एंड आई एम टेकिंग दिस टाइम, दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ माई लाइफ एज अ ग्रोथ टाइम, एज अ पर्सपेक्टिव वाइडनिंग टाइम. इसीलिए मैं थोड़े से वीडियोस भी कम बना रहा हूँ, बिकॉज एक तो लाइफ काफ़ी हेक्टिक हो गई है, सेकेंड मुझे थोड़ा सा अपने आप को है ना रीमॉडल एंड रीशेप करना है, मेरे थॉट प्रोसेसेस को, मेरे जो वीडियोस होते हैं आप लोगों के लिए उसको, हर चीज़ को थोड़ा सा रीशेप करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो लेट्स सी वो कैसे होता है. बट जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि जॉब मार्केट इज़ गुड, बहुत सारे वैकेंसीज़ है फॉर आर्किटेक्चर इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. आप बस लिंक्डइन पे सर्च कर लो, लिंक्डइन CA टाइप करना एंड उस पर सर्च कर लो जॉब, और इंडीड CA जॉब सर्च करो. एन नंबर ऑफ जॉब्स, एन नंबर. आई हैव बिन अप्लाइंग, आई एम टेलिंग यू, लाइक फ्रॉम 2 months एवरी डे आई हैव बिन अप्लाइंग, बट स्टिल एवरी सेकेंड डे आई फाइंड अ न्यू वैकेंसी कमिंग अप फ्रॉम सम फर्म. सो मार्केट इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट जो जॉब मिलने का प्रोसेस है और जो टाइम लाइन है वो काफ़ी बड़ी है. तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि भाई आ तो जाओगे, सर्वाइव भी कर लोगे, पैसे भी कमा लोगे, बिना आर्किटेक्चर जॉब किए भी पैसे कमा लोगे, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो आप बिना आर्किटेक्चर जॉब किए. ये मैं आप लोगों को क्लियरली बोलना चाहता हूँ. पर जो जॉब मिलने का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे सॉफ्टवेयर्स नहीं आते, या फिर आई एम नॉट गुड विद माय वोकैबुलरी और समथिंग, या फिर आई एम नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, या फिर मेरे रिज्यूमे में फॉल्ट है, या फिर मेरे पास रेफरेंस लेटर नहीं है. 4 रेफरेंस लेटर है मेरे पास फ्रॉम बोथ दी कोर्सेज, दो दो प्रोफेसर से मैंने रेफरेंस लेटर ले लिए थे. एंड मैं ट्राई करूँगा कि रेफरेंस लेटर शेयर भी करूँ आप लोगों के साथ, विच आई डोंट नो इफ इट्स ओके और नॉट, बट शेयर करूँगा. दीज लेटर्स आर लाइक रियली आई वुड हायर माई सेल्फ, इतने अच्छे रेफरेंस लेटर्स है. बट स्टिल स्टिल गाइज नहीं मिल रही है, मुश्किल हो रही है मुझे भी. ऐसा नहीं है कि बहुत ही चिल है लाइफ, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने वाला है आप लोगों को, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है. मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, बट देर आर टाइम्स जब आप लोगों को लगेगा कि यार क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा भी फील होने वाला है. बट आप लोगों को बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इतना लंबा सफ़र किया है, कुछ तो रीज़न होगा, थोड़ी डिफ़िकल्टी है, सह लो एंड आई थिंक सो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही. सो आपको भी यही माइंडसेट रखना है और आप लोगों को भी यही सोच के आना है. पहले से ही आप ये सोच लो कि इतना इतना टाइम लगने वाला है. आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस भी फॉलो करोगे तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी. सो गाइज यही था इन शॉर्ट, मुझे इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है वीडियो, ज़्यादा लेंदी वीडियो भी नहीं बनाने मुझे. सो दिस वॉज माई एंटायर वीडियो. मैं आपको यही बोलना चाहता था कि सिनारियोज आर लाइक दिस इन कैनेडा, और आप लोगों को बस स्ट्रांग रहना है, अपना माइंड सेट पहले से ही सेट करके आना है,
और आपको ये याद रखना है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये चीज़, ठीक है। मुझे किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया से आके यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं। सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू ऑल। एंड गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा है कि ये जेन्युइन वीडियो है, सो गो अहेड, हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो कि इतना स्ट्रेस होने के बाद भी, इतना टाइम की बोलते ना कंस्ट्रेन होने के बाद भी आई एम एबल टू मेक दिस वीडियो और मुझे भी अच्छा लगता है देन दैट आई शेयर ऑल दीज थिंग्स। एंड आप लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, काफ़ी एनर्जी मिलती है। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप हसलिंग हार्ड एंड सी यू सून। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।